लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी रैलियां करना शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टियों का दल बदली का भी काम जारी है। राजनेता लगातार एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही एजेंसियों द्वारा कई नेताओं पर करप्शन की खबरें भी लगातार सुर्खियों में है। दल बदलने के इस माहौल में कोई किसी से कम नहीं है, ये भी दर्शाया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य ने आज गाजियाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। वहीं राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भाजपा के दो बार सांसद रहे बीएल शर्मा, प्रेम की पुत्री निवेदिता शर्मा, प्रेम को भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने लोकसभा प्रत्याशी बनाया और चांदनी चौक से भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के सामने राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य ने श्रीराम कुशवाहा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। आपको बताते चले कि भाजपा छोड़कर आए नोएडा के रहने वाले सुरेंद्र चौहान को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। प्रयागराज से भाजपा और संघ को छोड़कर आए कुमार गौरव को पार्टी ने प्रयागराज का जिला अध्यक्ष बनाया। वहीं गाजियाबाद जिले के युद्ध अध्यक्ष महेश सिसोदिया भी उपस्थित हुए, जिन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाया। तो राजधानी दिल्ली से भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया की तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें पद भी दिए गए। दोनों प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को हमने मैदान में उतारा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीत कर आएंगे। और क्या कुछ कहा, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, जैसे आपको पता है कि हमारे जो लोकसभा चुनाव हैं, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हैं, जिसमें एक हमारे आज जो हमने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी को जो हमने आज नियुक्ति पत्र दिया है और आप यूपी की कमान संभालेंगे, आदरणीय भाई से हमारे सत्यपाल सिसोदिया जी जो हैं वो आप हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सत्यपाल सिसोदिया जी, आदरणीय भाई शेषी राणा जी, सुरेंद्र सिंह जी से हमने आपस में एक बैठक की और जिसमें एक महत्वपूर्ण हमारे इस बैठक के अंदर जो उत्तर पूर्वी जिले से हमारे आदरणीय बीएल शर्मा प्रेम जी, जो आप भारतीय जनता पार्टी से दो बार सांसद रह चुके थे, हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी से मेरी बात हुई, आप उनकी बेटी हैं बीएल शर्मा प्रेम जी की, तो हमने उत्तर पूर्वी जिले से, जो आप हमारे राष्ट्रभक्त भी थे, हमारे बीएल शर्मा प्रेम जी उन्हीं का खून है, उन्हीं की बेटी है और ये पार्टी भी राष्ट्रभक्त है, आदरणीय भाई से सामने चुनाव लड़ेगी आपकी। हाँ, ये हमारे जो मनोज तिवारी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आप हमारे अभी वहाँ सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन हमारी बहन अपनी जो पिताजी ने जो उन्होंने उत्तर पूर्वी जिले के लिए जो सभी लोगों के दिलों में बसते हैं, आज भी बैकुंठला शर्मा जी सभी लोगों को आज भी सब लोग कहते हैं कि कोई आना चाहिए, तो हम उत्तर पूर्वी जिले के सभी लोगों को मैं ये बहन के माध्यम से एक ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्वी लोकसभा के अलावा और प्रत्याशी और हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के साथ साथ हमारे चांदनी चौक से हमारे श्री राम जी, पप्पू भाई, जो आप हमारे वहाँ के प्रत्याशी, आज हमने इनकी घोषणा कर रहे हैं और हम उत्तर पूर्वी जो जिला है और जो दिल्ली है मैं महत्वपूर्ण, जो हमारे बीजेपी के जो लोग हैं बहुत वर्षों से बीजेपी के अंदर पूरा उन्होंने जीवन खपा दिया है, पीढ़ियाँ खप गई हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ, आज अपने राष्ट्रीय कार्यालय से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसके भाई शेर सिंह राणा जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभाओं में से हम लोगों ने 2 प्रत्याशियों को आज मैदान में उतार दिया है। उत्तर पूर्वी जिले से माननीय सांसद रहे बैकुंठलाल शर्मा, जिनको बी एल शर्मा प्रेम के नाम से जाना गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रहे हैं, उनकी बेटी हमारी बहन निवेदिता शर्मा प्रेम को आज हमने उत्तर पूर्वी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है।
दूसरा श्रीराम कुशवाहा जी को हमने चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। आने वाली 5 विधान लोकसभाओं के भी हमारे पास उम्मीदवार हैं, उनका 102 दिन के अंदर में या नेक्स्ट वीक तक उनके भी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर में हम लोगों ने आज हमारी पार्टी ने हमारे शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के अध्यक्षता में ठाकुर दुष्यंत जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र भाई चौहान जी को आज उत्तर प्रदेश के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनके ऊपर आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भारी जिम्मेवारी दी गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो भारत की राजधानी है और वहाँ से जो दो प्रत्याशी हैं तो उसकी अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन या भाजपा किससे टक्कर किससे मुकाबला? हमारी तो किसी से भी टक्कर नहीं है, हम टक्कर लेंगे तो हम अपने आप अपने जिसको हम जहाँ घूमेंगे वहीं आदमी खड़े होकर के नजर आएंगे। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, चाहे भाजपा सामने आ जाए चाहे हमारे पास आम आदमी आ जाए। आप लोग देख रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशियों का या बीजेपी और वो ऊपर नीचे किस तरह की राजनीति आपस में कर रहे हैं। हमारा उस राजनीति से कोई द्वेष नहीं है, हम अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं और हम अपनी प्रत्याशियों के साथ खड़े होकर अपनी कार्यशैली को आगे ला करके भाई शेर सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा करके हम अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज भाई दुष्यंत सिंह जी ने और शेर सिंह राणा के जी के सेवा करने के लिए, उनकी पार्टी के लिए सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तमाम बातें आपने रखी हैं, आपने कहा कि राजनीति में बहुत पहले से मेरा कदम है, लेकिन आपने RJP ही क्यों चुनी, क्या कारण रहा, और भी तो पार्टियां हैं उनमें क्यों नहीं जुड़े आप? RJP सबसे पहले तो मेरा चुनने का कारण ये है कि जो हमारे देश को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जिसको शायद हिंदू भूल भी गए, पृथ्वीराज चौहान जी को, उन्होंने 16 बार हिंदुओं को बचाने की लड़ाइयाँ लड़ी थी। और ये हमारे भाई शेर सिंह राणा जी कितने वर्षों बाद उनकी अस्थियों को अफगानिस्तान से लेकर आए, देश के लिए और हिंदू के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है, इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना है। आपने ये कहा मुलायम सिंह जी की बात की, आपने जातिवाद को लेकर कहा कि यादव मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है वो यादवों के लिए पार्टी थी, उन्होंने यादवों के लिए काम किया, तो क्या लगता है कि ये जो पार्टी है राजपूतों की पार्टी है, मानते हैं आप इसको? नहीं नहीं, राजपूतों ने तो कभी अपने लिए काम ही नहीं किया। हमारा कहना मतलब है कि भाइयों अपने आप भी एक रहिए और सभी भाइयों को एक कीजिए, सिर्फ अपने लिए बात मत कीजिए। आज तक देश के राजपूतों ने कभी अपने लिए कोई हक की मांग नहीं लड़ी, कोई ट्रेन नहीं रोकी, कोई रास्ता जाम नहीं किया है, हमेशा गरीबों के लिए दूसरों के लिए ये काम करते आ रहे हैं हम। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।